सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा में हुए बवाल के बाद आज किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। बता दें आपको, बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी और कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में कल बवाल हुआ था, जिसके बाद आज कांग्रेस जहां आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आरजेडी के भी नेता वहां पहुंचे हुए हैं। आरजेडी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्मनाक घटना पर नीतीश कुमार से माफी की मांग की जा रही है। कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रही है, कह रही है कि पुलिसिया अत्याचार बंद करो। कल पुलिस को लेकर स्पेशल अधिकार मिले, इसको लेकर एक विधेयक था जिस पर बवाल हुआ, और उसी बवाल के बाद ये तस्वीरें आज सामने आ रही है। पहले दो तस्वीरें देखिए आप। तो बिहार विधानसभा में कल बवाल हुआ था, जिसके बाद आज विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। नीतीश कुमार से माफी की मांग की जा रही है। आरजेडी ने जहां हाथों में चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया है, तो वहीं कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। कल बिहार विधानसभा से बेहद शर्मनाक तस्वीरें आई थी। विरोध करने पर विपक्ष के कई विधायकों को घसीट कर बाहर कर दिया गया था, मारपीट के भी आरोप लगे, और उसके बाद आज ये प्रदर्शन है। यानी कि आज भी सदन में खूब हंगामा होने के आसार पहले से दिखाई दे रहे हैं। और रजनीश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अभी की क्या तस्वीर है? कल जो तस्वीरें सामने आई बिहार विधानसभा से, उसे हर कोई शर्मनाक बता रहा है, लेकिन आज क्या लगता है आपको, आज बस इस विरोध तक सीमित हो जाएगा या सदन के अंदर भी हंगामा दिखेगा? बिल्कुल नावेद, देखिए जो घटना कल घटी उसने बिल्कुल इस सदन को शर्मसार किया है। ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी, और उसी का नतीजा है कि आज विपक्ष ने यहाँ पर समानांतर सदन लगाया है। जी हाँ, अंदर जो सदन की कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस का मानना है कि उस सदन को हम नहीं मानते, और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक अध्यक्ष बनाया है, पूरी विपक्ष मौजूद है। भाई वीरेंद्र आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, आज आप लोग यहाँ पर एक समानांतर सदन चला रहे हैं। देखिए, कल जो कुछ हुआ वो बिहार को फिर एक बार शर्मसार किया देश और दुनिया में। कल सदन के अंदर में पुलिसिया खौफ, डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, और कई पुलिस पदाधिकारी उसमें घुसकर हमारे माननीय विधायकों को मारपीट कर रहा था। इनको चोट भी लगी आपके विधायक? लगी है विधायक, माननीय विधायक मुकेश जी को, और कई ऐसे पदाधिकारी जो गुंडा के भेष में लोग आए थे। हमको लग रहा था किस तरह का विरोध कर रहे हैं भाई? नहीं, हमारा कहना है कि जब सदन में जाने पर पिटाई होती है तो हम सदन क्यों जाएंगे, और जब तक उन पदाधिकारियों को सस्पेंशन नहीं होता है, डीएम पटना के डीएम को और एसपी को और कई पुलिस पदाधिकारी को अगर नहीं होता है, तब तक हम सदन नहीं जाएंगे, चाहे वो 5 साल बीत जाएगा। सदन का आज आखिरी दिन है, इसके बाद आगे आपका ऐसे प्रदर्शन चलता रहेगा? नहीं, आगे भी सदन चलेगा ना, उसमें भी हम लोग यही मांग। जब सदन चलेगा तो बाहर, और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, बहुत रोचक तस्वीर नावेद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में भूदेव चौधरी को बैठा दिया गया है, और आसपास में तमाम विपक्ष के विधायक जो हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। जो महिला विधायक है वो यहाँ पर चूड़ी के साथ बैठी हुई है, आप लोग चूड़ी लेकर बैठी हुई है जी। रजनीश, पूछे इनसे कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ हंगामा हो रहा है। इस्तीफा देकर के घर जाइए, और जनता का जो मान सम्मान की रक्षा वो हम कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर तमाम लोग हैं, भूदेव जी आप तो अध्यक्ष की भूमिका में, सरकार कह रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं और आप लोग बातचीत नहीं। कहाँ सरकार बातचीत करने को तैयार है? कल की घटनाओं को आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। प्रतिपक्ष का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने जब अपनी बात रखने के लिए तैयार हुए तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया, और यही कारण हुआ कि हंगामा हुआ। तो ये सरकार तो निश्चित तौर पर यूं ही भाषण देने में मास्टर है, माहिर है। आप मानने को तैयार नहीं है सरकार बात? सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिस पर कि ये प्रतिपक्ष चाहते क्या है आप लोग? प्रतिपक्ष, हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार को तुरंत बर्खास्त करे जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया है। यहाँ के डीएम और एसपी ने बेवजह विधायकों को पिटवाया है, पीटा है अपने से, उन लोगों को बर्खास्त किया जाए, ये सदन की मांग है। बिल्कुल, तो देखिए नावेद तस्वीर देखिए, समानांतर सदन यहाँ चलाया जा रहा है जहाँ पर तमाम विधायक मौजूद हैं। चलिए, मैसेज देने की कोशिश है रजनीश, और सीधे सीधे कार्रवाई की मांग है। जहाँ कांग्रेस नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रही है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से मांग की जा रही है कि जो डीएम और एसपी उन्हें सस्पेंड किया जाए।